तो जी नमस्कार, मैं हूं गुंजन पांडे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं हाजिर हूं एक और नई रेसिपी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी मोमोज। ये बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट में आटा लेंगे, उसमें मिलाएंगे ऑलिव ऑयल, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे गूंथ लेंगे। आटे को ठीक वैसा गूंदेंगे जैसा हम चपाती के लिए गूंथते हैं। इसे ढक कर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर तो चलते हैं स्टफिंग बनाने के लिए। स्टफिंग के लिए हम कढ़ाई में गरम करेंगे ऑलिव ऑयल और तेल गरम हो जाने पे हम इसमें डाल देंगे घिसा हुआ अदरक और इसे 1 मिनट थोड़ा सा पका लेंगे। और अदरक थोड़ा सा पक जाने के बाद घिसा हुआ इसमें पत्ता गोभी और घिसा हुआ गाजर डाल देंगे और इसे 2-4 मिनट अच्छी तरीके से पका लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्वादानुसार नमक और कुटा हुआ काली मिर्च और इसे 2-3 मिनट और अच्छे से पकाने के बाद हम इसे तैयार कर लेंगे और अलग रख लेंगे। अब हम रखे हुए आटे को थोड़ा सा और गूंथ लेंगे। इसके बाद हम इसे के छोटे छोटे टुकड़े करके गोल बॉल की तरह बना लेंगे। अब हम इसे ऐसे रोल करेंगे जैसे पतली रोटी रोल करते हैं और इसे रोल करने के बाद हम इसके किनारों पर लगा लेंगे थोड़ा सा पानी और चम्मच से इसके बीच में रखेंगे हम इसकी स्टफिंग और बहुत ध्यान से इसे मोमो का आकार देंगे ऐसे, देखिए। और ये रेडी हो गए हमारे मोमोज और चलते हैं इन्हें स्टीम करने के लिए। एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे, उसके बाद जिन प्लेट्स में मोमोज को रखना है उन्हें तेल से ग्रीस करके मोमोज को उस बड़े बर्तन में रख के 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे स्टीम करेंगे। तो ये तैयार हो गए हमारे सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी मोमोज। इन्हें खाने से पहले ज़रूर बनाइए और खाइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए। नमस्कार।